नवजोत रंधावा, दोपहर के 2:00 सबकी बड़ी खबर आपको बता दे, जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार की मंजूरी मिल गई है। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मरावया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि अब भारत के पास 5 EUA वैक्सीन मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये COVID-19 के खिलाफ हमारे देश की सामूहिक लड़ाई में मददगार साबित होगी। इससे पहले ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा था कि उसने भारत में अपनी एक डोज वाली COVID-19 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया है। मिलन शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मिलन, मंजूरी मिल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि कब तक वैक्सीन लगवा पाएंगे लोग? जी बिल्कुल, देखिए जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने के बाद ये भारत की 5वीं ऐसी वैक्सीन है जिसको भारत ने अप्रूव किया है। मैं आपको बता दूं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, हमारी भारत में बनी हुई वैक्सीन्स और स्पुतनिक और मॉडर्ना को भी भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने के बाद का मतलब है कि जैनसन नामक वैक्सीन यहाँ पर बनाई जाएगी। पहले से ही जॉनसन एंड जॉनसन ने बायोलॉजिकल ई नामक कंपनी के साथ भारत में टाइअप किया है और इस इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बाद अब दो चीजें साफ होती हैं। पहली ये कि यहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकती है बायोलॉजिकल ई के साथ, और दूसरी ये कि बाहर से आने वाली जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी अब इम्पोर्ट करी जाएगी भारत में। भारत सरकार वैसे भी अमरीकी सरकार के साथ बातचीत कर रहा था, कोवैक्स के थ्रू भी कुछ जॉनसन एंड जॉनसन की डोजेज आने वाली थी। तो ये भारत के लिए एक वैक्सीन एक्सपेंशन माना जाए, क्योंकि अब और भी ज़्यादा वैक्सीन्स भारत में लगने के लिए तैयार होंगी। फिलहाल हम ज़्यादातर हमारा जो वैक्सीन का ड्राइव है वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन चला रहे हैं। स्पुतनिक वी भी भारत में लग रही है, मॉडर्ना को भी पिछले ही 2 हफ्तों में इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया, और अब ये जो बड़ी खबर कि जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वैक्सीन को ऑथराइजेशन दिया गया, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। और ये सिंगल शॉट वैक्सीन है, इसमें डबल डोज नहीं लेनी पड़ेगी।